कह रहे हैं डॉम के चैप्टर में ये कि इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न टू डिफरेंट वेज टू टारगेट कंपोनेंट्स ऑफ योर वेब पेज, सो यू कुड रीड एंड सेट देम. कह रहे कि हर अंदाज में ना जितने भी मुख्तलिफ तरीके थे रीड करने के और सेट करने के, चाहे वो कोई इनपुट बॉक्स हो, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो, चाहे किसी पैराग्राफ का स्टाइल हो, हर चीज़ को गेट और सेट करना इसने सिखा दिया पिछले 4-5 चैप्टरों में. अच्छा, यू लर्न गेट एलिमेंट बाई आई डी एंड यू लर्न गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ये दोनों पढ़ लिया. दीज आर ऑफन द बेस्ट मैथड फॉर टारगेटिंग थिंग्स, टारगेटिंग एलिमेंट्स एक्चुअली, कि किसी भी पेज पे कोई चीज़ उठानी हो तो ये मेथड सारे बने हुए बड़े अच्छे से इससे काम हो जाता है. बट दे हैव लिमिटेशंस. द फर्स्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी गिव्स यू एक्सेस ओनली टू दोज कंपोनेंट दैट हैव बीन असाइंड एन आईडी. अब आईडी वाले पे कह रहा है कि आईडी होगी तो पकड़ में आएगा, किसी एलिमेंट पे आईडी नहीं है तो कैसे पकड़ में आएगा. इन सेकेंड द टैग नेम इज गुड फॉर होलसेल चेंजेस, कि जी आपको सारे पैराग्राफ पे लगाना है या सारी इमेजेस पे लगाना है कुछ, तो इसके लिए सही है. बट इज़ अ बिट कम्बरसम फॉर फाइन सर्जिकल वर्क. ठीक है, कोई पिन पॉइंट करके कोई चीज़ करनी हो, कोई सर्जिकल चीज़ करनी हो, तो उसके लिए थोड़ा मसला है. कह रहा है कि बोथ अप्रोचेज, इसको क्या हुआ, हेलो 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 हेलो, मेरी माइक क्यों स्लो हो गया अचानक, सही है, स्लो नहीं हुआ. अच्छा, तो बोथ अप्रोचेज कैन चेंज थिंग्स इन योर वेब पेज, बट नाइदर इज एबल टू डील ऑल द थिंग्स ऑन द पेज. अब कह रहा है ये कुछ ऐसा सिचुएशन बताने वाला है जिसमें ये दोनों फेल हो जाएंगे. टू क्रिएट न्यू थिंग्स, टू मूव एग्जिस्टिंग थिंग्स और डिलीट देम. ठीक है, नंबर एक क्या इसने बताई, क्रिएट न्यू थिंग्स. आपको अगर अपने पेज के ऊपर एक नई चीज़ अपेयर करानी है तो ये तरीका फेल हो जाएगा उसमें. मिसाल के तौर पर एक नया पैराग्राफ फ्रॉम स्क्रैच बना के प्लेस करना है, या एक इमेज पहले से उसके पड़ोस में एक दूसरी इमेज आपने अपेयर करानी है, तो वो इससे नहीं हो सकता. टू मूव एग्जिस्टिंग थिंग्स, कोई इमेज मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ में लगी हुई है, उसको वहाँ से निकाल के किसी दूसरे पैराग्राफ में या किसी दूसरे डिव में मूव कराना है, उठा के इधर करना है, तो ये काम इनसे नहीं हो पाएगा. और किसी एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट करना है, एक तो होता है ना हिडन विडन CSS के ज़रिए, एक डिलीट होता है कि जी डॉम से ही उसको गायब करा दें, तो वो काम इससे नहीं हो सकता. अच्छा, इसमें से हमने एक काम किया हुआ है, क्रिएट न्यू एलिमेंट्स, हमने ये काम किया हुआ है. कैसे किया था हमने, क्या तरीका इख्तियार किया था हमने, हमने इनर HTML का तरीका इस्तेमाल किया था नए एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, अच्छा, इनर HTML जो है वो भी बिहाइंड द सीन वही करता है जो ये आगे बताने वाला है, लेकिन इनर HTML इज़ नॉट रिकमेंडेड. छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. बेहतर ये कि ये डॉम के मेथड्स को इस्तेमाल किया जाए, ये थोड़े से फास्ट होते हैं. ठीक है, बाकी रिएक्ट वालों का कहना है कि JavaScript का डॉम है ही स्लो, हमने जो बनाया वो सबसे अच्छा है. सही है, इससे भी अच्छा है और होगा, क्योंकि जाहिर है वो तो सिर्फ वेब एप्लीकेशन के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो इनको तो सारे फ्रेमवर्क्स को देखना है और ऐसी चीज़ बनानी है स्टेबल, तो जाहिर है कोई इस तरह की एक्सपेरिमेंटल चीज़ ये शामिल नहीं करेंगे JavaScript का जो डॉम है ना इसके अंदर. लेकिन रिएक्ट वाले ये काम कर सकते हैं, वो तो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आती है और जाती रहती है, तो लेकिन इन्होंने इस तरह की कोई भंड नहीं मारना. रिएक्ट वालों ने कोई, उनको कोई मसला नहीं है, वो जस्ट एक लाइब्रेरी है, वो कर सकते हैं. अच्छा, फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज आर ओनली टू ऑफ मैनी मैथड्स फॉर वर्किंग विद द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. कह रहा है कि ये जो आपने देखा ना गेट एलिमेंट बाई आईडी और गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, कह रहा है ये दो ही मेथड हैं अभी इसके अलावा और बहुत सारे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए अभी तक. तो कह रहा है ये अच्छी बात है ये कि हमारे लिए, हम अभी सब बाकियों को एक्सप्लोर करेंगे, उससे डिलीट विलीट भी हो जाता है. दी डॉम, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि जी दी डॉम क्या होता है. डॉम इज एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ऑर्गेनाइजेशन पता है सब लोगों को, ठीक है, ऑर्गन्स जो हमने डिस्कस किया था. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ये. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब ये है
कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करेगा, उसकी एक तरतीब है, उसका एक चार्ट है, उसका एक रूल है, उसका एक डिज़ाइन है, उसका एक ब्लूप्रिंट है कि जी कौन सा जो पार्ट है ना वो क्या करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल थिंग है ये, डॉम इज समथिंग ऑर्गेनाइजेशनल। अच्छा, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर व्हेन योर वेब पेज लोड्स, ये डॉम बनता कब है? अच्छा, ये डॉम DOM जो है, इसमें M फॉर मॉडल है। मॉडल जैसे अब ये पंखा है ना, ये रियल पंखा है, इसका एक मॉडल भी हो सकता है। जहाज़ों के आपने देखा छोटे मॉडल होते हैं, तो मॉडल का मतलब होता है कि सैम्पल, एक ब्लू प्रिंट, एक एक प्लान जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे फंक्शन के टाइम पे हमने देखा था, ये फंक्शन जब बनता है ना तो वो जस्ट रजिस्टर होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता। जब हम उसको कॉल करते हैं, जब वो तो जो रजिस्ट्रेशन उसकी हो रही है वो दैट इज़ अ मॉडल। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना उसको कहते हैं ये मॉडल है जी, अभी ये कुछ हुआ नहीं है इससे, अभी कुछ होगा। यानी जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो जहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो जो उसका जो मॉडल बना हुआ है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जब तक कॉल नहीं करते जब तक वो मॉडल की हैसियत रखता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन जनरल मॉडल जिस चीज़ को कहते हैं, ये वो बात हो रही है। तो उसने कहा कि भाई आप जब आपका वेब पेज लोड होता है ना, तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको यानी बना लेता है फॉर होल वेब पेज। होल वेब पेज का मतलब है, अब ये जैसा कि मैंने शुरू में एक दफ़ा आपसे जिक्र किया था कि जितना भी HTML और जितना भी CSS हम लिखते हैं, तो वो तमाम का तमाम JavaScript में कन्वर्ट होता है, फिर वो रन होता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ब्राउज़र को JavaScript के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, ब्राउज़र को HTML नहीं पता, HTML जो है वो कन्वर्ट होता है JavaScript के अंदर। ठीक है, तो ब्राउज़र को जो चीज़ मिलती है ना, वो मिलते हैं JavaScript के ऑब्जेक्ट्स। और यही वजह है कि जब हम गेट भी करते हैं किसी एलिमेंट को, जैसे मैंने किया कि गेट एलिमेंट बाई ID और उसमें कोई ID मैंने लिखी, तो जो चीज़ मुझे मिलती है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट उसको हमें कैसे पता चला? डॉट लगा के उसमें चीज़ें मिल रही होती हैं, हमें डॉट डॉट लगा के चीज़ें डॉट नोटेशन से मिल रही होती हैं। अच्छा, डॉट नोटेशन भी या वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो नोटेशन हमने पढ़ा था, दोनों से मिलती हैं। ठीक है, तो डॉट लगा के उसमें फंक्शंस होते हैं, डॉट लगा के उसमें वैल्यूज़ होती हैं, तो वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी एलिमेंट को गेट करो वो मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ब्राउज़र को जो मेरा लिखा हुआ HTML है वो वैसे नहीं समझता, वो उसको उसमें कन्वर्ट कर लेता है और फिर उसकी सही समझ आता है। ठीक है, अच्छा, फिर ब्राउज़र जो, क्योंकि प्रोसेसर तक कहानी जाती है, तो प्रोसेसर तक पहुँचते पहुँचते वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाइनरी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा है जी, प्रोसेसर को 0 1 के अलावा समझ में नहीं आता। हमने जब वो देखा था कि भाई वेरिएबल कैसे सेव होता है मेमोरी में, तो उस वक्त हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अच्छा जी, वो 0 1 में ही चल रही है सारी कहानी, जो नंबर स्ट्रिंग से लेके और इवन इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, तमाम की तमाम जो है वो 0 और 1 के ऊपर कहानी चल रही है। इसको हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, अगर किसी ने कोई लेक्चर वो वाला मिस तो नहीं किया, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है, अगर किसी ने मिस कर दिया तो वो है उस पर, आप लिखेंगे हैव यू एवर वंडर्ड करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा। अच्छा, ऑल द थिंग्स ऑन योर वेब पेज, द टैग, द टेक्स्ट ब्लॉक, द इमेजेस, द लिंक, द टेबल, द स्टाइल एट्रीब्यूट्स एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, क्या क्या इसने जिक्र कर दिया कि जितने भी टैग्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट ब्लॉक हो, चाहे वो इमेजेस हो, लिंक्स भी हो सकते हैं, टेबल्स हो सकती हैं आपके पास, उन टेबल पे और उन टैग्स पे लगा हुआ स्टाइल हो सकता है, उन टेबल पे लगा हुआ, उन टैग्स पे लगा हुआ एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, और भी जो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी की सारी, वो तमाम की तमाम क्या हो जाती हैव स्पॉट ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जगह मौजूद है। ठीक है, अच्छा यार, फ़ैन मैंने बंद करवा दी, गर्मी तो नहीं लग रही ना किसी को? ये वाला ऑन कर दूँ यार? कर दो ऑन, जो जो कह रहे हैं कर दो, तीनों ही ऑन कर दो ये वाले, क्योंकि मुझे ज़रा चेहरे पे पैनिक फील हो रहा था तुम लोगों के। यार उधर वाला देखो, बंद तो खुला हुआ तो नहीं है, उधर वाला बंद कर दो। उस कोने वाला बंद कर दो बिल्कुल ना, ये बीच में जहाँ बंदे बैठे हैं वो चला दो।
फैन चल रहा है लेकिन हवा नहीं आ रही यार। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं जी कि जितने भी आपके पास HTML के अंदर एलिमेंट और उसके ऊपर लगने वाले एट्रीब्यूट्स हैं ना, उन तमाम एट्रीब्यूट्स और उन तमाम एलिमेंट्स के लिए इस चार्ट में कहीं ना कहीं जगह मौजूद है। सही है, इस चार्ट में कहीं ना कहीं जगह मौजूद है। अच्छा, अब ये ज़रा इसको हम एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को ना थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे एक ये जहाँ बैठे हैं आप, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। सही है। अच्छा, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंचार्ज है, ठीक है, उसको HTML से अगर हम कंपेयर करें तो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट, पेरेंट है सबका, ठीक है, एक इंचार्ज है इस ऑर्गेनाइजेशन का। उस इंचार्ज के नीचे शायद चार मैनेजर्स हैं, ठीक है, चार मैनेजर्स को आप ऐसे समझ लो कि जी वो चार डिव है, ठीक है, वो चार डिव हैं, चार मैनेजर्स। अच्छा, हर मैनेजर के अंडर में कुछ वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कोई जो टीचिंग फैकल्टी को देख रहा है एक मैनेजर, एक मैनेजर जो है वो स्टाफ के मेंबर्स को देख रहा है, एक जो है मैनेजर शायद सिक्योरिटी के मामलात देख रहा है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी के मामलात देख रहा है उसके अंडर में क्या चीज़ है, जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो अब आप समझ लो कि ये जो चार डिव है ना, अब इस डिव के अंदर मज़ीद एलिमेंट्स हैं, चार पैराग्राफ्स हैं इस डिव के अंदर में भी, ठीक है। उन पैराग्राफ के ऊपर एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहनता है, सिक्योरिटी गार्ड के पास वेपन होता है, ठीक है, उसकी एक पोजीशन होती है और उसका एक नाम होता है, उसकी एक सैलरी होती है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन जाता है। इसी तरह जो टीचिंग फैकल्टी को देख रहा है वो उसके अंडर में तमाम टीचर्स हैं, कौन से टीचर क्या पढ़ाते हैं, क्या उनकी टाइमिंग है, अटेंडेंस, सैलरी वैलरी, एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ें वो देख रहा है। तो ये इस तरह एक हायरार्की बनी हुई है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर एक जो है बंदा जो स्टाफ को देख रहा है वो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को भी देखेगा, स्टाफ बैठा हुआ है वो स्टूडेंट की अटेंडेंस ले रहा है, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये एक्स वाई जेड, किसको छुट्टी देनी है, क्या करनी है, एडमिन के सारे टेस्ट लेना, ये सारे मामलात वो देख रहा है, ठीक है। जो ये मैनेजमेंट का जो चक्कर है, एसी पंखे ये प्रोजेक्टर वगैरह, ये सारे भी वही देख रहा है। तो ये आप समझ रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं और उन पे लगने वाले स्टाइल और उन पे लगने वाले एट्रीब्यूट्स, उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में कहीं ना कहीं जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैंने इसमें से क्या उठाया, इस ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में से क्या है, एक पेरेंट है, चार डिव हैं, हर डिव के अंदर कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, यानी कि एक इंचार्ज है, उसके अंडर में चार मैनेजर हैं और हर मैनेजर के अंडर में कुछ लोग हैं। अब इसमें से मैंने क्या उठाया, पैराग्राफ डिव नंबर थ्री जो है, यानी मैनेजर नंबर थ्री है, उसके अंदर से मैंने तीन नंबर एम्प्लॉय उठाया, तीसरा पैराग्राफ उठा लिया, उस पैराग्राफ को मैं गेट करता हूँ, उसके ऊपर डॉट स्टाइल मुझे मिलेगा, डॉट एट्रीब्यूट करके मुझे एट्रीब्यूट मिलेगा, डॉट क्लास करके मुझे क्लास मिलेगा, ठीक है, डॉट करके मुझे वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरह से ही सजा हुआ है, तो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही सजा हुआ है। दिस मीन्स दैट योर जावास्क्रिप्ट कोड कैन गेट इट्स हैंड ऑन एनीथिंग ऑन योर वेब पेज। अब इससे आपको ये समझ आ गया कि आप अपने पेज पे से कोई भी चीज़ उठाना चाहते हैं, ठीक है, इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, योर कोड कैन गेट इट हैंड्स ऑन एनीथिंग, कि कहीं पे भी आप हाथ डाल के ना कोई भी चीज़ उठा सकते हैं, किसी एलिमेंट का स्टाइल, किसी एलिमेंट का एट्रीब्यूट, चाहे वो एलिमेंट कितना ही अंदर हो, आप डॉट 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 लगा के वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, आईडी के ज़रिए वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्लास नेम के ज़रिए वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। किसी मिसाल के तौर पे कोई बंदा, कोई थर्ड बंदा है, वो आता है, कोई स्टाफ मेंबर उससे मिलता है, उस स्टाफ मेंबर से कुछ मिसाल के तौर पे अगर मिसहैप हो जाता है तो अब उसको उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो क्या करेगा, वो उसका हुलिया बताएगा, वो डॉक्यूमेंट के पिक के पास जाके, डॉक्यूमेंट कौन है, इंचार्ज है, तो यहाँ के इंचार्ज के पास आके बोलेगा कि यार आपका एक ऐसा स्टाफ था, छोटे छोटे बाल थे उसके और पतला सूखा सा था या मोटा सा था, एक्स वाई जेड, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, तो इंचार्ज पूछेगा कि किस टाइम आए थे आप, तो उससे वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि उस टाइम किसकी ड्यूटी होती है और होलिया मैच हो जाएगा,
तो इसी तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ना, आपको अगर हुलिया भी पता है जस्ट अगर किसी एलिमेंट का, तो आप उससे भी उठा सकते हैं। नेम प्लेट अगर पढ़ लिया आपने, नाम पढ़ लिया बच्चे का, तो उससे भी आप उठा सकते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई कुछ भी उठा सकते हैं आप, एनी थिंग एट ऑल, जस्ट बाई सेइंग वेयर दैट थिंग इज ऑन द चार्ट। व्हाट्स मोर, योर जावास्क्रिप्ट कैन ऐड थिंग्स, मूव थिंग्स और डिलीट थिंग्स बाई मैनिपुलेटिंग द चार्ट। अब मिसाल के तौर पे आपको क्या करना है कि किसी, मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ का, उसने जावास्क्रिप्ट की बुक पढ़ना शुरू कर दी और वो जावास्क्रिप्ट का एक्सपर्ट हो गया, और फिर वो कह रहा है कि सर मैं तो जावास्क्रिप्ट पढ़ा लेता हूँ, अब मुझे लैब अटेंडेंट बना दें आप, फिर उसके बाद मैं थोड़े दिनों में टीचर बनूँगा। सही है, तो अब इंचार्ज क्या करेगा? इंचार्ज पहले तो डिसाइड करेगा, अच्छा हाँ यार वाकई में ये कर लिया, उसने कर लिया, तो वो उसने क्या करना है, जस्ट एक डिव में से उठा के ना उसको एक दूसरे डिव में ले जाके डाल देना। ये कर सकता है इंचार्ज, तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि किसी पैराग्राफ को एक डिव से उठा के दूसरे डिव में हम ले जाके डाल सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या बात की है कि जी आप किसी भी चीज़ को मूव डिलीट कर सकते हैं बाई मैनिपुलेटिंग द चार्ट। ठीक है, चार्ट को जस्ट मैनिपुलेट करना है आपने। अगर आप इसको ऐसे विजुअलाइज करके सोचें ना, तो ये काइंड ऑफ एक ट्री स्ट्रक्चर है, HTML ट्री स्ट्रक्चर है। ट्री स्ट्रक्चर सब लोगों को पता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है। मैं असल में इसलिए पूछ रहा हूँ कि खड़े होकर ज़रा एक्सप्लेन कर दो, दो चार लफ्ज़ों में कि जी ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक दो चार लफ्ज़ों में जस्ट एक्सप्लेन कर दो, ताकि जिनको नहीं पता वो सेम पेज पे आ जाए। हाँ भाई पहले सेमेस्टर की, अच्छा चलो तुम्हारी माफ़ी है, शुरू शुरू में सब हाथ खड़ा करते थे। कितने सेमेस्टर हो गए तुम्हारे? डिग्री ले ली? अरे वाह क्या बात। नहीं नहीं उसका तो काम आता है, उसको हाथ सेट हो गया, उसको डिग्री विग्री की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं भाई सही बता रहा हूँ मैं, जिसके बाद जिसको काम आता है ना थोड़ा बहुत, वो डिग्री विग्री फालतू के चक्कर हैं उसके लिए, मतलब है मतलब वैल्यू थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है, लेकिन वो उसी को होगा जिसने वो नौकरी वोकरी पकड़नी है फिर, मतलब समझ रहे हो, उसके लिए। मुझे तो आज तक फ़ायदा नहीं दिया मेरी डिग्रियों ने। भाई यहाँ तक किसी ने पूछा भी नहीं, मैं मेरी हसरत ही रह गई कि कोई पूछे मेरे से, किसी ने नहीं पूछा आज तक। अच्छा अब कंप्यूटर साइंस में आ गए, चलो। हाँ भाई ट्री स्ट्रक्चर कोई बता पाएगा आप में से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर दो चार आप पढ़ते हैं जो बेसिक है, पता होने चाहिए। बाय द वे मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, असल में मेरी कोशिश थी कि वो यहीं पे पढ़ते हैं हम, लेकिन शायद यहाँ पे हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है, तो डेटा स्ट्रक्चर को कवर शायद हम ना कर पाएँ। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा को किस तरह से सजाएं कि उसको रीड करना और राइट करना आसान हो जाए। सही है, डेटा अभी जैसे हमने वेरिएबल पढ़े थे ना मेमोरी में कैसे सेव होते हैं जाके, अब वो एक ख़ास अंदाज में जाके सेट होते हैं और सेव होते हैं, कि जी उसको गेट करना और उसको ना पुट करना उसमें आसान हो जाए। तो ये चक्कर होता है डेटा स्ट्रक्चर का ना, एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एरे हम पढ़ चुके हैं ना, ये बना हुआ डेटा स्ट्रक्चर है, हमने नहीं बनाया ये पहले से। तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है ना, जो एरे का डेटा स्ट्रक्चर वो बिल्ट इन होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो दैट इज़ ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर और स्ट्रिंग के अलावा ये जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं ये सारे डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक डेटा स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट, इसी तरह होता है एक वो सर्कुलर जो होता है, क्या कहते हैं उसको यार, सर्कुलर वाले को क्या कहते हैं जो गोल घुमा हुआ होता है, बारल, हीप होता है, हीप स्ट्रक्चर होता है, हीप कहते हैं ढेर को, किसी भी चीज़ का ढेर होता है उसको हीप कहते हैं। तो वो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, तो ये चार पाँच बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ लेना तुम लोग अलग से ना, यूट्यूब में जाके जो बहुत सारे इंडियन बच्चे बच्चे हैं वो पढ़ाते हैं डेटा स्ट्रक्चर, तो वो डेटा स्ट्रक्चर 101 लिखोगे ना जाके, 101 देखो ये भी चीज़ समझ लो अच्छे से, 101 का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पहला एक्सपोजर,
सबसे पहला एक्सपोजर मिसाल के तौर पे आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी है ना, आप जानना चाहते हैं ये शुरू कैसे होता है, यानी पहले सेमेस्टर में जो चीज़ पढ़ाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड 101, तो आप लिखोगे ह्यूमन साइकोलॉजी 101, ठीक है, या आप लिखोगे बायोलॉजी 101, बायोलॉजी 101 हम सब ने पढ़ी हुई है, स्कूल में पढ़ा देते हैं हम, तो वो दैट इज़ 101। या आपके साथ मिसाल के तौर पर फाइनेंस में कहीं या लॉ में आप एडमिशन लोगे तो जो पहली चीज़ जो पढ़ाते हैं ना वो 101 होती है, तो आप लिखेंगे अच्छा फिर उस सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके भी 101 होते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस के अंदर ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 101 होता है, ठीक है, फिर आपका डबल ओपी का 101 होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जिसको वो बोलते हैं, है ना, जो प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कहते हैं कहीं क्या कहते हैं, 101 उसका स्टैंडर्ड नाम है, तो आप लिखेंगे ना प्रोग्रामिंग 101 तो वो वाला सब्जेक्ट निकल के आएगा। तो हर सब्जेक्ट का पहले 101 होता है, फिर 102 होता है, फिर 201 होता है, और पता नहीं उसके बाद क्या होता है, ये शुरू के तीन तो होते ही हैं, ये बैचलर्स में ना शुरू के तीन होते हैं ये, उसके बाद मास्टर्स में पता नहीं और आगे क्या नाम होता है वो मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ ये किसी भी चीज़ को सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, आपने क्रिप्टो करेंसी पढ़नी है अगर ना या ब्लॉक चेन पढ़ना है तो आप लिखेंगे ब्लॉक चेन 101, ठीक है। पिछले दिनों मुझे बड़ा शौक हुआ था ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने का, तो मैंने 101 के जितने लेक्चर थे 15-20 वो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जितने लेक्चर हैं सारे मैंने देख लिए, तो मुझे वो बेसिक आइडिया हो गया कि अच्छा यार ह्यूमन साइकोलॉजी का वो चक्कर चल क्या रहा है सारा का सारा ना, ठीक है। इसी तरह आपको कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो आपने ये करना है, तो आपने लिखना है जाके डेटा स्ट्रक्चर 101, तो आपको वो डेटा स्ट्रक्चर के जो 4-5 बेसिक है ना वो सारे पढ़ा देंगे। अच्छा आमतौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं वो सी लैंग्वेज पर, ठीक है, सी लैंग्वेज पर, लेकिन वो सी लैंग्वेज पर ज़रूरी नहीं है, सी लैंग्वेज बड़ी डिटेल्ड चीज़ है, उस पर कोड करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा मुश्किल है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर उसमें फंक्शन में एरे नहीं पास कर सकते आप, फंक्शन में पैरामीटर लेते हैं ना उसमें सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग, दैट्स इट, उसमें एरे नहीं पास कर सकते आप। अब एरे फंक्शन में कैसे जाएगा, अब उसकी एक लंबी कहानी है कि वो मेमोरी का वो एड्रेस निकालते हैं जहाँ पे वो एरे पड़ा हुआ है ना मेमोरी का उसका हम एड्रेस निकालते हैं, उस एड्रेस को जाहिर है वो नंबर होता है एक एड्रेस, उस नंबर को पास कर देते हैं, फिर फंक्शन जब चलता है तो उस एड्रेस से हम दोबारा मेमोरी में जाते हैं और एक एक करके उसको हम रीड करते हैं, ठीक है, उस एड्रेस को पॉइंटर कहते हैं वो लोग, तो एक बड़ा मुश्किल सा एक तरीका है। तो अगर किसी वीडियो में वो सी लैंग्वेज पे पढ़ा रहा हो ना तो उसको स्किप कर देना प्लीज़, उसको या तो पाइथन में या तो जावास्क्रिप्ट में अगर वो पढ़ाए ना, तो डेटा स्ट्रक्चर सारे बने हुए हैं, वो क्या करते हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि जी वो जो एरे जो बना हुआ है ना वो एरे बना कैसे, वो फंक्शन वंक्शन बना के उसको वो बनाना सिखाते हैं कि जी वो इस तरह करके ये फंक्शन के ज़रिए बना, तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। वेल तो मैं ये क्या कह रहा था जी, एचटीएमएल में कैसे करोगे, प्रोग्रामेटिकली करना है ना, जावास्क्रिप्ट से करने का मतलब है प्रोग्रामेटिकली करना है। देखो एक होती है चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कैसे, सवाल बड़ा अच्छा पूछा है इसने, इसने पूछा भाई ये जो एक डिव से निकाल के भाई चार डिव हैं चारों के अंदर कुछ पैराग्राफ्स हैं, डिव नंबर 1 से मैं एक पैराग्राफ उठाता हूँ और डिव नंबर 3 में ले जाके उसको छोड़ देता हूँ, तो ये तो मैं एचटीएमएल से कर लूँ, हाँ ठीक है, जब मैं किसी लॉजिक के थ्रू ये करूँगा ना फिर मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए। वैसे तो इन द फर्स्ट प्लेस अगर मुझे दिखाना ही वैसे है उसको तो मैं वो एचटीएमएल ही उठा के मैनिपुलेट कर दूँगा डायरेक्ट, एचटीएमएल का कोड ही मैं चेंज मार दूँगा, लेकिन अगर मुझे ये काम किसी लॉजिक के थ्रू करना है कि अच्छा जी वो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाने लगा था आपको, एक होता है ट्रेलो, ट्रेलो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल होता है, आई होप कि मेरा इसमें अकाउंट लॉगिन हो जाए, ठीक है, इसमें ना बोर्ड्स होते हैं बने हुए, उसमें बोर्ड्स में ना वो टिकट्स बनाते हैं कि जी वो आज ये काम करना है और आज इस तरह करके ना, ठीक है, ये सारे वो बोर्ड्स बने हुए हैं पहले के पुराने, मैं एक आपके लिए ना नया बोर्ड बना लेता हूँ, बोर्ड का एक टाइटल बोल रहा है, मैंने कहा कि जी SMIT प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है, कह रहा किस वर्क स्पेस में रखना है, मैंने कहा फ्लो ग्रिड में ही रख दो, चलो क्रिएट। अब ये मेरे पास ना एक बोर्ड बन गया है, अच्छा पहले बोर्ड को मैंने टाइटल दे दिया के पेंडिंग, दूसरे को मैंने दे दिया कि जो है ना वर्किंग, और इसको मैंने दी है डन। अब इसमें क्या करते हैं, एक टास्क यहाँ पे बना देते हैं, टास्क 1, ठीक है, अगर मैं इसको जूम इन कर पाऊँ थोड़ा, ये टास्क 1 मैंने बना दिया यहाँ,
टास्क टू, ये मुझे मेरा इंचार्ज यहाँ पे बना बना के देगा, बल्कि पेंडिंग नहीं इसका नाम रखते हैं, टू डू नाम रखते हैं इसके, है ये करना है ये काम। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, और यहाँ पे मज़ीद टास्क बना दिए वो 4, 5, 10, 12, मैं इसको यहाँ से यूँ, अब देखो ये डायनेमिकली बन रहा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा और ये अपेयर हो गया बन के सामने, है ना, ये डिव है ना, ये देखो ना, ये मूव कर पा रहा हूँ मैं इसको, ये डायनेमिकली अपेयर हुआ, ये पहले नहीं था यहाँ पे, ये फ्रॉम स्क्रैच बना है। अब जितना भी मैं लिखता जाऊँगा बनता जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि वो पहले से डिव बना बना के रखे हुए थे, उसको विजिबिलिटी हिडन थोड़ी किया हुआ था, वो थे ही नहीं, वो बने जब हैं जब मैंने क्लिक किया उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा फिर मिसाल के तौर पे अगर ये कर भी लेंगे कि वो बना बना के रख लें और विजिबिलिटी हिडन, तो फिर मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट उस पर कैसे जाएगा, मेरे लिखे हुए टेक्स्ट के लिए तो स्टिल वो क्या करेगा, वो एलिमेंट को गेट करके इनर, ऐसा नहीं होगा, वो फ्रॉम स्क्रैच बनेगा, वो बनता कैसे भी आगे डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्या होता है कि मैं जब मैं आऊँगा ना अपना वर्क शुरू करूँगा, मैं अपना दिन स्टार्ट करूँगा, जब मैं ट्रैकर ऑन करूँगा, और ट्रैकर ऑन करने के बाद मैं क्या करूँगा, टास्क वन मिसाल के तौर पे मुझे मुश्किल लगा थोड़ा, मैंने कहा टास्क टू थोड़ा आसान है पहले इसको कर लेता हूँ, तो टास्क टू को उठाऊंगा मैं इसे और यहाँ ले आऊँगा। परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक डिव से उठा के दूसरे डिव में छोड़ा है मैंने जाके, ठीक है, और ये मेरे एक्शन पे हुआ है, ये किसी भी और लॉजिक पे भी हो सकता है, ये अब ये इधर आ गया। अब जब मेरा जो क्लाइंट है ना वो जब ये बोर्ड खोलेगा तो उसको दिख जाएगा, अच्छा यार इस पर अभी ये फिलहाल काम कर रहा है, और ये वाला जो है ना, अब मिसाल के तौर पर जब तक ये टास्क वन कम्प्लीट नहीं हो जाता वो इसको टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जब मैं बोलूँगा अच्छा टास्क टू मेरा कंप्लीट हो गया ना, तो वो बोलेगा अरे यार जब तक मैं टास्क टू को ज़रा चेक कर लेता हूँ कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर वो चाहे तो वो उसको टेस्ट कर सकता है। अच्छा फिर वो एक और बोर्ड बना लेगा यहाँ पे टेस्टेड, और जब वो टेस्ट कर लेगा ना तो उठा के उसको टेस्टेड में डाल देगा, ठीक है। आमतौर पर टेस्टिंग के लिए कभी कभी अलग टीम होती है, कभी कभी वो क्लाइंट खुद ही कर रहा होता है, तो ये इस तरह से। फिर मैंने कहा यार टास्क वन अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब यहाँ पे बीच में और भी बोर्ड्स बनाते हैं लोग, किसी वो कर रहा था मैं नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इसमें यहाँ पे ऐड करके ना क्लिक करके, और इसमें यहाँ पे कमेंट्स लगा के कि जी देयर वाज अ प्रॉब्लम इन प्रॉक्सी, सही है, कोई प्रॉक्सी वॉक्सी एक्सपायर हो गई, कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गई जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा, बस इसको सेव करके ना इसको वापस कहाँ लगा देते हैं, इसको मैंने जूम इन ज़्यादा कर दिया, इसको यहाँ पे वापस कर देते हैं कि जी ये इधर थोड़ा अभी ठीक है कैंसिल में, और कई सारे जितना आप चाहें बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप जितने मर्जी चाहें बना सकते हैं लाइन से। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा हो रहा है ना, ये पूरा डॉम मैनिपुलेशन के ऊपर हो रहा है, और ये जितना फास्ट ये चल रहा है ना, अगर इसको मैं इनर HTML से करूँगा ये नहीं इतना फास्ट चलेगा, इनर HTML में ये इन जगहों पर आके वो स्लो डाउन करता है आपकी ऐप को ना, तो इसलिए जो इनर HTML वाला तरीका है एलिमेंट को क्रिएट करने का, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दीज काइंड ऑफ टास्क। वापस आ जाते हैं जी हमारे बुक पे। इफ़ यू वॉन्टेड टू यू कुड ऑलमोस्ट क्रिएट एन एंटायर वेब पेज फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग जावा स्क्रिप्ट डॉम मैथड्स। कह रहे हैं कि अगर आप चाहें, ठीक है, कह रहे हैं आप वैसे नहीं आप चाहेंगे, ये इसको पता है कि आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा HTML का पेज फ्रॉम स्क्रैच टोटली जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं, सही है, मतलब आप कुछ भी ना लिखें, HTML के पेज को खाली छोड़ दें और जस्ट उसमें जावास्क्रिप्ट लगाएं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एक करके आप एलिमेंट क्रिएट करते जाएं और बनाते जाएं। ज़ाहिर है बॉडी तो बनी हुई है, बॉडी के अंदर डॉट इनर HTML करके आप जितना मर्जी डालते जाएं वो होता जाएगा, लेकिन उसका एक मज़ीद अच्छा तरीका भी ये बताएगा, है ना, इनर HTML के अलावा तरीका मौजूद है क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएट एलिमेंट और डिलीट एलिमेंट और रिमूव एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड, ये सारे अभी मेथड आगे आने वाले हैं, ठीक है। हेयर इज़ अ सिंप्लीफाइड वेब पेज, आई हैव इंटेंडेड द डिफरेंट लेवल इन हायरार्की, द थ्री टॉप लेवल ऑफ डॉम आर ऑलवेज द सेम फॉर द स्टैंडर्ड वेब पेज, ठीक है। कह रहे जी लेवल वन एक रखा डॉक्यूमेंट, लेवल टू HTML, ठीक है, जाहिर है वो डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है, और HTML के अंदर हेड है तो दैट इज़ लेवल थ्री, और उसके बाद लेवल फोर, यानी हेड के अंदर टाइटल है तो ये लेवल फोर हो गया, ठीक है, और लेवल फाइव के पे टेक्स्ट है, लेवल फाइव पे आ गया ये ख़त्म है। जाहिर है एक दरख्त होता है उसकी दो शाखें निकलती हैं, फिर वो दो चार होती है, फिर चार आठ होती है, एक पॉइंट पे आके पत्ता आ जाता है, लीफ आ जाता है, वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है मज़ीद डिवाइड होना। तो ये जो है जो टेक्स्ट है इसका, ये लेवल फाइव जो है दैट इज़ कॉल्ड लीफ, ठीक है। जब आप ट्री स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर ये टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी कि जी वो क्या ब्रांच और ट्री में अल्टीमेटली वो लीफ आ जाता है आपके पास।
ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जी वापस आते हैं हम, बॉडी जो है, बॉडी एक्चुअली लेवल 3 है, डॉक्यूमेंट HTML और HTML के अंदर बॉडी, तो ये लेवल 3 है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि जी फर्स्ट 3 लेवल जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम होंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड है एक वेब पेज का, ठीक है। हेयर इज द सेम थिंग शोन एज एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कह रहा है ये वही बात इसने ना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में बता दी है, ठीक है। ये ट्री की तरह है, आप ट्री मतलब समझ लें, ट्री को उल्टा करके लगाया हुआ है, ट्री नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, अपोजिट है, लेकिन है ये ट्री की तरह। अच्छा ठीक है जी, यू कैन सी एवरी सिंगल थिंग ऑन दिस वेब पेज इंक्लूडिंग एंड इवन टाइटल एंड टेक्स्ट एवरीथिंग, सही है। वो कह रहा है टाइटल हेड में होता है, टेक्स्ट जो है वो बॉडी के अंदर होता है, तो हर चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी, उसका ये कोड भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये विजुअली देख नहीं सकते, बट ये मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा शायद, ब्राउज़र पे जाके ऐसा। देखो असल में क्या होगा ना कि जब किसी वेब पेज को आप ओपन करोगे ना तो वो एज अ वेब पेज ही दिखेगा, ठीक है। जैसे facebook.com जो खोलोगे तो वही लॉगिन का बटन, साइन अप का बटन ये दिखेगा, तो वेब पेज तो हमेशा वैसा ही दिखेगा। लेकिन मे बी कोई डिवेलपर टूल ऐसा मौजूद हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर, जो आपको इस रिप्रेजेंटेशन में दिखा दे, मे बी, ठीक है। सर्च करोगे इंटरनेट पे तो पता चल जाएगा, गूगल के जो, गूगल क्रोम के जो डिवेलपर टूल्स हैं उसके अंदर इस तरह का व्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। रैदर दे हैव अ डिफरेंट व्यू, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा व्यू है, आप सब लोगों का जाना पहचाना व्यू है वो। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर गया मैं, एलिमेंट्स पर जब आप जाते हो ना तो ये एक्चुअली ट्री स्ट्रक्चर में ही खोल के दिखाता है आपको, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये शायद दिस इज़ अ मच बेटर रिप्रेजेंटेशन, कि आप उस तरह ट्री में देखो जो आप, यानी आप ऐसी वाली ट्री में देखने से बेहतर है आप इस ट्री में देखो। अच्छा अब आप देखो इसमें ये ट्री किस तरह खुलती है, डॉक्यूमेंट HTML, देखो जिस चीज़ पे हाथ रखता हूँ वो चीज़ इधर हाईलाइटेड हो जाती है, हेड क्योंकि स्क्रीन पे नहीं है तो वो हाईलाइट नहीं हो पा रही, बॉडी को खोला मैंने तो देखो बॉडी के अंदर क्या है, एक डिव मौजूद है, ये डिव पे हाथ रखा मैंने, डिव हाईलाइट हो गई है, ठीक है। मज़ीद जो जो चीज़ें थी वो सब हाईलाइट हो गई यहाँ पर, ये पूरी बॉडी के अंदर देखो 4-5 ही टैग हैं इसके। फिर ये पहला वाला जो डिव है ना, ये सबसे बड़ा डिव है, खोला इसको मैंने, ट्रेलो रूट, इसको देखो आईडी दी हुई है इन्होंने, सही है, ट्रेलो रूट इसको आईडी दी हुई है। अब जब मैं इस डिव को ओपन करता हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ ट्री, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक मैं जाता जा रहा हूँ, ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है इसमें, ये चौथा आइटम है, ठीक है। ये देखो हेडर आ गया, ये इसको मैं ओपन क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। हेडर के अंदर ये को मेन आ गया हेडर के बाद, अब मैं हेडर के अंदर की चीज़ें देखना चाहता हूँ, इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करके ये मैंने मज़ीद ओपन किया इसको, ये बटन आ गया पहला, उसके बाद ये एक एंकर टैग आ गया, इस तरह आ गया। अब मुझे इसके अंदर देखना है मज़ीद क्या है, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि इसमें है कुछ अंदर, इसके क्लिक किया मैंने, इसने खोल दिया इसको, सही है। ये सब मैं जाके अंदर देख सकता हूँ कि कहाँ पे क्या है। अब अगर इसको मैं जूम आउट करूँ, अगर ठीक है, अब देखो मैंने इसको जूम आउट कर दिया, अभी आई एम नॉट श्योर अगर ये आपको प्रोजेक्टर पे पता नहीं विजिबल है या नहीं है। यार मैंने तो बंद ही कर दिया। वेल ये मैंने दोबारा से इसको ओपन किया, आप देखिए इट इज जस्ट लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर, नहीं वो असल में मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक बिग पिक्चर एक दिखाना चाह रहा हूँ मैं। वैसे तो मैंने जूम इन करके पहले एक एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट खुला ना, देखो उसके अंदर एक और एलिमेंट है, उसके अंदर एक और एलिमेंट, तो इसको मैं जब जूम आउट करता हूँ ना तो इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक आपको दिख रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेशन कि रेदर कि आप इस तरह उसको देखना चाहें, ठीक है। अच्छा फिर इसमें क्या है कि जी आप जिस पे हाथ रखते हो ना वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है। अच्छा अब आप ढूंढेंगे कैसे, आप तो वो ट्री में ऐसे खोलते बंद करते रहेंगे सारा टाइम। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो ये प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है ना,
ये मैंने देखना है कि उस एलिमेंट्स की ट्री में ये कहाँ पर है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और राइट क्लिक करके मैं ये इंस्पेक्ट दबा दूँगा, इंस्पेक्ट। तो ये देखो मुझे डायरेक्टली ये वहाँ पे लेके चला जाएगा। देखो जब मैं यहाँ हाथ रखता हूँ, दिस इज एक्चुअली अ बटन, राइट, और ये डिव है, इस पर वो लगा हुआ है, फ्लैक्स बॉक्स लगा हुआ है इसके ऊपर। अब मिसाल के तौर पर मुझे इसको बॉर्डर देना है अगर, तो मैं कैसे करके बॉर्डर दूंगा इसको, इसको मैं वापस से जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, एक और भी तरीका है कि मैं ये वाला जो आइटम है इसको पकड़ूँ, ये देखो ब्लू हो गया ना, इसका मतलब है इनेबल हो गया, ये इनेबल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पिक्चर पे आके क्लिक करूँ, ये इसने मुझे पहुँचा दिया इस जगह पर। ठीक है, दिस इज़ अ बटन एक्चुअली। अब मुझे इस बटन को अगर बॉर्डर देना है, मैं आगे लिखूंगा जी बॉर्डर, सही है, 1 पिक्सल का मैंने बॉर्डर लगा दिया, 3, 4, 5, 6, 10 पिक्सल मैंने कर दिया उसको। ठीक है, तो ये कोई बहुत ही वाहियात से इस पर बॉर्डर बना हुआ है। तो किसी भी एलिमेंट को मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्शन कर सकता हूँ उसकी, या फिर ये सेलेक्ट एन एलिमेंट करके, देखो ये मैं इस आइकन पर चला जाता हूँ, आइकन पर लेकर आ जाऊँगा। तो किसी भी वेब, ये डेवलपर टूल्स हैं सारे जो हम शुरू से यूज़ करते हुए हैं, जस्ट टू रियलाइज मोर, इसको मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मज़ीद। ठीक है जी, अब ये इसने थोड़ा सा बड़ा वेब पेज बना दिया है कि जी एक बॉडी में डिव है, डिव में 2 पैराग्राफ हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा HTML लिखा है इसने। पहले इसने क्या किया था, बस पैराग्राफ एक रखा हुआ था, अब इसने क्या कर दिया, 2 पैराग्राफ वाला बना दिया। प्रिटी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, बस ये इसको एक रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा है। आप भी ये वाला कोड जब लिखेंगे HTML का, जो यहाँ पे इसने लिखा हुआ ये 2 पैराग्राफ के साथ, तो आपको गूगल का जो डेवलपर टूल है उसमें एलिमेंट्स के सेक्शन में कुछ इस तरह का वो दिख जाएगा। लेकिन वो ट्री, ये तो टॉप टू बॉटम ट्री बनाई हुई है, उसमें राइट टू लेफ्ट उन्होंने बनाया हुआ है, लेफ्ट टू राइट बल्कि, सही, हॉरिजॉन्टल वे में थोड़ा सा बना के दिखाया हुआ है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जी इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है, कोई कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ पर्सन। जैसा कि हमने देखा था कि जी एक ये इंचार्ज है टॉप वाला, इसके अंडर में 2 मैनेजर हैं, फिर उसके अंदर कोई बंदा है, फिर उसके अंदर मजीद और बंदे हैं। इस तरह ही होता है कि जी एक फ्लोर इंचार्ज होता है, फिर एक सुपरवाइजर होता है, पता नहीं इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई होती है। तो इन अ डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ नॉड। अब ये नॉड की जो टर्म है ना, ये आपने भूलनी नहीं है। ठीक है, कौन मुझे ये बता पाएगा कि नॉर्ड किस चीज़ को कहते हैं? जिसने छठा सेमेस्टर कर लिया यूनिवर्सिटी में, उसको पता होना चाहिए। कौन मुझे बता पाएगा कौन होता है? अगर किसी ने CCNA किया हुआ, उसको भी पता होना चाहिए। कोई CCNA वाला है बैठा हुआ यहाँ पे? एक सर्कल, एक सर्किट बनी हुई होती है, सर्किट डायग्राम के अंदर भी कुछ नॉड नहीं, वो डायोड्स की बात कर रहे हो शायद तुम। वो तो सर्किट डायग्राम में नॉड तो नहीं होते, होते हैं हैं? हाँ, वो नॉड डेफिनेशन, देखो ये जो डेफिनेशन नॉड की है ना, जहाँ जहाँ नॉड का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, सब जगह डेफिनेशन सेम है, ये याद रखना। चाहे वो नेटवर्किंग में हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हो, चाहे वो सर्किट में हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ठीक है, चाहे वो नेटवर्क के सर्किट में हो, चाहे वो टेलीफोन के सर्किट में हो, नॉड जहाँ जहाँ जिक्र हो रहा है ना, मतलब उसका सेम है। तो इसका जो जनरल डेफिनेशन है नॉड की, वो अगर इंटरसेक्ट क्या होता है, हाँ करीब करीब बताया तुमने, मैं असल में जो सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं बोला, लेकिन तुमने जंक्शन को कहते हैं। और कोई बताएगा भाई नॉड? गूगल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, गूगल करके डेफिनेशन देख के बताओ।
जल्दी से गूगल करके मुझे नॉट की डेफिनेशन जल्दी से बताओ क्या होती है। हाँ भाई क्या पता चला? अच्छा वो डेफिनेशन मुझे रीड करके नहीं सुनानी है, मुझे एक्सप्लेन करना है, और जब आप एक्सप्लेन करें वो चीज़ तो आपके जो सारे दोस्त बैठे हैं उनको भी समझ आना चाहिए। मतलब क्योंकि डेफिनेशन आपने जब गूगल कर ली, लिखा हुआ आ गया, उससे आपने समझा गया, उससे आपने क्या परसीव किया आपने कि यार ये क्या बात लिखी हुई है, सही है? क्योंकि डेफिनेशन याद करने वाला केस तो नहीं है ना, डेफिनेशन याद करने वाला केस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये होता रहा है स्कूलों में, मैं खुद जिस स्कूल में पढ़ता था ना उसमें भी यही होता था कि जी वो याद करके आना। अबे क्यों याद करके आना, बिला वजह ऐसे ही, ठीक है? असूलन तो ये होना चाहिए कि जी आपने साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, आप क्लास 6, 5 जो भी, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, आपने साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, तो वो चैप्टर पढ़ के उस चैप्टर के आखिर में 4 सवाल होते हैं, 4-5 एक दिए हुए होते हैं, असूलन तो ये होना चाहिए जो मैं समझता हूँ और जो मेरे ख्याल है कॉमन सेंस की बात है कि बच्चा वो चैप्टर रीड करके उन 5 सवालों का जवाब देने के काबिल हो जाए खुद से, ठीक है? बजाय इसके कि टीचर बोर्ड पे खड़ा हो गया ना, बोले जी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है और वो लिखना शुरू करो और बच्चा उसको छाप रहा हो बैठ के, सही है? रीडिंग राइटिंग अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि राइटिंग नहीं करनी चाहिए, राइटिंग करनी चाहिए, बट टीचर बोले अच्छा यार पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, अब उसको लिख के लाना कॉपी में, फिर उसको याद करके आना। अबे याद क्यों करके आना, असूलन तो ये होना चाहिए कि बच्चे से मैं अब खड़ा हो गया ना, उन 5ों में से कोई एक सवाल अगर पूछूं उससे तो बच्चा इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो बगैर याद किए उसका जवाब दे पाए, क्योंकि उसने वो चैप्टर पढ़ा है पूरा भाई, उसने वो पूरा चैप्टर पढ़ के उसने कुछ समझा है, उसने कुछ परसीव किया है, या उसने समझा ही नहीं है। फिर वो कहता नहीं आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अच्छा फिर कुछ तो इतने बेवकूफ़ पता नहीं लोग हैं, इतने पागल लोग हैं, वो कहते नहीं जो बुक में लिखी हुई वही डेफिनेशन आपने बतानी है। अबे क्यों भाई, थोड़ी सी अलग लिखो तो मार्क्स कम करते हैं वो, ये करते हैं स्कूलों में बच्चों के साथ, ठीक है? तो ये असूलन गलत करते हैं, ठीक है? बच्चे को इस काबिल, बच्चे ने कोई पाक स्टडीज़ का कोई चैप्टर पढ़ा है तो वो बच्चा उस चैप्टर को पढ़ के उस सवाल के ऊपर अपना कोई ओपिनियन देने के काबिल हो जाए, उसका कोई जवाब देने के काबिल हो जाए, दैट इज़ नॉट राइट और रॉन्ग। उसने चैप्टर पढ़ के क्या समझा वो बताएगा, ठीक है? टीचर उसको करेक्ट कर सकता है कि जी ऐसे नहीं इस तरह है। वेल हाँ जी, तो नॉट की डेफिनेशन पढ़ के आपने क्या समझा, डेफिनेशन रीड करके नहीं बतानी है आपने, क्योंकि उसका तो वो तो कोई भी रीड करके बता देगा जी। अच्छा नॉट जेएस में भी नॉट का मतलब वही होता है, नॉट जेएस तो टाइटल है बाय द वे, उस एक 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 फ्रेमवर्क का टाइटल है नॉट जेएस, एक प्लेटफॉर्म कह लें आप उसको, लेकिन नॉट का मतलब वहाँ पे भी सेम है। मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात। हाँ भाई और कोई, अच्छा नॉड का इटसेल्फ ट्री स्ट्रक्चर से ताल्लुक नहीं है भाई, नॉड का इटसेल्फ ट्री स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, यानी ट्री स्ट्रक्चर में नॉड होते हैं लेकिन नॉड की अपनी डेफिनेशन में ट्री का कहीं जिक्र नहीं आएगा। ट्री का हर पॉइंट एक नॉड होता है, काफ़ी करीब करीब जवाब दे दिया इसने, मतलब सही जवाब दे दिया लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं बोला, जवाब सही दिया बिल्कुल इसने कि
ट्री का जो है ना हर पॉइंट जो है वो एक नोड है इस ट्री स्ट्रक्चर के अंदर. ये जितने भी आइटम है ना, ये हेड और ये डिव और ये पैराग्राफ, ये ईच पॉइंट इज अ नोड. ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी कि ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ नोड. और कोई अच्छा सा जवाब, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि जी कोई और अच्छा सा जवाब दे पाए. ये देखो ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, इसमें कोई सही गलत नहीं है जवाब. आप जवाब देंगे, आपका जवाब सही नहीं होगा, मैं कहूँगा नहीं यार सही जवाब नहीं है, फिर मैं बताऊँगा भी. तो ये थोड़ा सा आप में एक तो कॉन्फिडेंस आया यार बोलने का. देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वो कालीन भैया वाली मूवी है ना, उसमें जो वो खातून होती हैं एक लीडर, तो वो पता नहीं वो पॉलिटिकल बयान देने खड़ी होती, तो वो कहती है कि भाई हमने फला फला में स्कूल बनाया हमने, फिर वो ऐसे बुक खोलती है बोलती है हमने 4345 स्कूल बनाया, और बंद कर देती है. वो पीछे भैया मुन्ना भैया खड़े हुए होते हैं, कहते हैं यार इसमें तो कुछ भी नहीं था. उसने कहा कि भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए झूठ बोलने का भी. तो झूठ नहीं बोलना बाय द वे आपने, लेकिन अगर आप गलत जवाब भी दे रहे हैं ना, हाँ वो आप गलत जवाब भी अगर दे रहे हैं ना, तो कम से कम बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए. नहीं सही लगे नहीं, सही लगे नहीं मतलब चार लोगों में खड़े होकर आप अपना ओपिनियन तो दे सकें. और दूसरी एक और बात भी बड़ी ज़रूरी है कि आपका जवाब अगर गलत है ना, तो आप उसको भी एक्सेप्ट करेंगे जी हाँ जी गलत था मेरा जवाब. ये भी लोगों में बड़ा मसला है हमारे यहाँ ना, मेरे में भी पहले था ये मसला कि जी मेरी बात को किसी ने गलत कैसे कह दिया. लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव किया कि जो चीज़ अगर मैं कभी बता दूं और वो बाद में गलत साबित हो जाए, तो यार उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ये एज अ ह्यूमन यही तो फ़र्क है हम में और जानवरों में. तो अभी कोई गलत अगर जवाब हो जाए या कोई गलती हो जाए, यार एक्सेप्ट करें, क्या हो गया, इंसान है, गलती हर किसी से हो सकती है. मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे पूरी जावास्क्रिप्ट आती है. मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत आपसे भी सीखूंगा कभी, आप में से किसी को मेरे से ज़्यादा आती है तो मुझे सिखा दे भाई. ठीक है, इल्म हमारे एक बड़े अच्छे टीचर थे, एजाज़ नाम है उनका, तो वो वाइस प्रिंसिपल थे जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पर. तो वो कहते थे यार, जब वो पढ़ाने आते थे, मैं इंग्लिश पढ़ाते थे, वो कहते थे यार इल्म किसी के बाप का माल नहीं है, मुझे आपसे मिलेगा मैं आपसे ले लूँगा, जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूँगा, तो एक्सचेंज करेंगे हम. तो क्लास वो टू वे रखना मैंने उनसे सीखा है कि जी क्लास को हमेशा टू वे रखना होता है, सामने से भी बात लेनी होती है, अपनी बात भी बतानी होती है. अच्छा जी, नॉड की जो डेफिनेशन है ना, जी हाँ ये एक नॉड जैसे एक फ्रेमवर्क है. अच्छा, दोस्त ने कहा कि जो वाईफाई की जो डिवाइस होती है वो एक नॉड होता है, और जितने भी उससे फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हैं वो सारे फ़ोन भी एक एक नॉड है. जवाब सही दिया, मज़ीद अच्छा जवाब दिया जा सकता है, अभी भी गुंजाइश है जी. हाँ तुम ये कह रहे हो इंटरनेट के जो पैकेट्स जा रहे होते हैं तारों में, जो डेटा ट्रैवल कर रहा है उसमें जो एक एक पैकेट है वो एक नॉड है, नहीं ऐसा नहीं है जी. और को कौन कह रहा था, नॉड एक चैम्बर बोला, चैम्बर की तरह. हाँ करीब करीब बताया, मतलब चैम्बर अपने वर्ड गलत यूज़ किया है, इसको शायद पाथ कह सकते हैं, पाथवे या कनेक्शन कह सकते हैं कि जी एक कनेक्शन है जिससे मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. और कोई कहना चाह रहा है, कोई जवाब देना चाह रहा है जी. जी जी सही है, अच्छा बताया आपने भी. और कोई कुछ कहना चाह रहा है जी. जी नहीं नहीं नॉड एक कंस्ट्रक्टर नहीं है. अच्छा चलो मैं बताता हूँ कि नॉड मैं क्या समझता हूँ कि नॉड क्या है. ठीक है, आप मेरे जवाब सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन है ये. ठीक है, तो नेटवर्किंग में आपको चलो समझाता हूँ मैं, जो क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने नेटवर्क का यहाँ पर जिक्र किया है कि दोस्त ने कहा कि वाईफाई का जो राउटर है ना दैट इज़ वन नॉड. ठीक है, उससे जितने फ़ोन कनेक्टेड हैं वो सारे फ़ोन एक एक नॉड हैं. ठीक है, तो मैं इसलिए नेटवर्क के हिसाब से आपको समझाता हूँ. अच्छा जैसे देखो, ये जितनी भी नॉड की जो सिंपल डेफिनेशन है ना, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये नेटवर्किंग के सेंस में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो वो तारों के ज़रिए जब कनेक्ट होती है ना, तो हर उसका कंपोनेंट एक नॉड होता है. मिसाल के तौर पर जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर होते थे, CPU अलग, मॉनिटर अलग, कीबोर्ड अलग, माउस अलग, तो ये एक कंप्यूटर के ये चार नॉड हो गए. ठीक है, अच्छा
इसी तरीके से जो नेटवर्क की अगर हम नॉट की बात करें तो जी इस बिल्डिंग में एक नेटवर्क है, तमाम कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो मेरा लैपटॉप वायरलेसली किसी राउटर से कनेक्टेड है, तो मेरा जो लैपटॉप है ना वो इस नेटवर्क में एक नॉड है। अच्छा वो नॉड वैसे तो ये लैपटॉप है, लेकिन ये कोई मोबाइल भी हो सकता है, ये कोई प्रिंटर भी हो सकता है, ये कोई जो है ना टैबलेट डिवाइस भी हो सकती है, तो इन जनरल इसको कहते हैं ये नॉड है, कनेक्टेड है। आपके राउटर खोलेंगे तो क्लाइंट की लिस्ट शो हो रही होती है, तो वो लिस्ट में जो जो शो हो रहा है वो दैट इज़ कॉल्ड अ नॉड। अच्छा फिर वो राउटर खुद भी एक नॉड है क्योंकि वो पार्टिसिपेंट है ना उस नेटवर्क का। अच्छा फिर वो राउटर आगे से कहीं से कनेक्ट है जहाँ से वो इंटरनेट ले रहा है, यानी ISP से, तो जाहिर है वो जब बाहर निकलेगा तो गली में पोल पे वो लगा हुआ होगा एक स्विच, दैट स्विच इज़ ऑल्सो अ नॉड, सही है। अच्छा अगर मैं इस माइक की बात करूँ, ये भी एक नेटवर्क है काइंड ऑफ के जी, वो माइक के वो, तो ये माइक एक नॉड है, इसके जो ये बॉक्स लगा हुआ है नीचे एम्पलीफायर बॉक्स, दिस इज़ अनदर नॉड, और फिर इससे जो स्पीकर ये जितने भी कनेक्टेड हैं ये सारे स्पीकर एक एक नॉड हैं, तो ये तमाम नॉड्स को मिला के ना ये एक नेटवर्क बनाया पूरा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से तो हमने क्या देखा कि जो भी दो चीज़ें ना आपस में तारों से कनेक्ट हों तो हर उसका पार्टिसिपेंट एक नॉड कहलाता है। अच्छा इसी तरीके से आपका जैसे वो नॉड JS का उन्होंने जिक्र किया कि जी नॉड JS है, वो नॉड JS असल में सर्वर की लैंग्वेज है, सर्वर लिखा जाता है, JavaScript के ही सर्वर का वो है प्लेटफॉर्म है, तो वो ईच सर्वर इंटरनेट के ऊपर जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर हैं, यानी इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब होता है कि हर एक दूसरे से कनेक्ट है। मिसाल के तौर पर तुम्हारा क्या नाम है? बालाज। अब बालाज जो है, इमेजिन करो बालाज इज़ अ कंप्यूटर, और तो इंटरकनेक्टेड का मतलब है कि बालाज हर एक कंप्यूटर जो है, इमेजिन करो सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, तो बालाज हर एक कंप्यूटर से जब कनेक्ट होगा ना, और प्लस जैसे इसके पड़ोस में बैठा भैया कौन, तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम भी इस तमाम कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, फिर ये भी इस तमाम कंप्यूटर, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, हर एक कंप्यूटर तमाम बकाया कंप्यूटर से जब कनेक्ट, तो अल्टीमेटली ये इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस नेटवर्क के अंदर एक पार्टिसिपेंट जो है वो एक नॉड है। अच्छा कुछ इसमें होंगे सर्वर टाइप के कंप्यूटर, कुछ होंगे लैपटॉप टाइप के कंप्यूटर, कुछ जो है वो कंप्यूटर ही नहीं होंगे, कुछ क्रॉलर्स वगैरह होंगे, कोई ऐसी दूसरी चीज़ होगी, है ना, लेकिन वो इस नेटवर्क का पार्ट है, तो वो ईच कंप्यूटर विल बी अ नॉड। तो क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में सर्वर लिखने की लैंग्वेज है, और वो सर्वर कहाँ चलेगी, वो किसी ना किसी इस पूरे नेटवर्क में कहीं ना कहीं, तो वो नॉड JS है, तो एक नॉड के ऊपर ना उसकी नॉड की प्रोग्रामिंग हो रही है एक्चुअली, तो इस सेंस में उसको अच्छा नाम रखा है उन्होंने, इस सेंस में उसका नाम उन्होंने नॉड JS रखा है, ठीक है। तो अच्छा फिर वो एक्चुअल में सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर का काम होता है कि जी वो एक सर्वर जहाँ पे वो बैठा हुआ है ना, सब लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो जवाब देता है, तो सब लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो एक नॉड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है तो वो सर्वर। बीच में अगर कोई वायरस हो या वायर कटी हुई हो, नहीं बीच में तो नहीं होता, वो किसी नॉड में ही लिव, वायरस ऑलवेज लिव्स इन अ नॉड, तार में नहीं लिव कर सकता, हाँ राउटर में हो सकता है, किसी कंप्यूटर में, किसी सर्वर में हो सकता है, तारों में वायरस नहीं हो सकता। हाँ तो बस जो उसका काम होगा वो करेगा, वायरस का जो काम होगा वो करेगा काम, मिसाल के तौर पे हर आने वाली रिक्वेस्ट के वो सारा डेटा कॉपी करता रहेगा, नोट करता रहेगा, डेटाबेस में डालता रहेगा, जो भी काम होगा उसका। जी कुछ कह रहे हैं? हाँ सॉरी, हाँ वो क्लाउड भी है कंप्यूटर, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, ये क्लाउड के कंप्यूटर की बात हो रही है, ठीक है, उसमें मेरा भी कंप्यूटर शामिल है क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी क्लाउड पे ही है। क्लाउड में होने का मतलब कि बादलों में तो नहीं होता ना एक्चुअल में, कुछ होता तो सब ज़मीन पे ही है, बट तारों से कनेक्ट होता है, इस वजह से उसको हम कहते हैं क्लाउड, कि जी वो इंटरनेट पे है कहीं, तो मेरा कंप्यूटर भी इस क्लाउड का पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि मैं कनेक्ट हूँ इस क्लाउड से, मैं इस क्लाउड से कोई चीज़ डाउनलोड कर सकता हूँ, तो मैं उसका पार्ट हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो नॉड की मैंने आपको कुछ मजीद एग्जाम्पल्स दी, इसी तरह इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग है इसमें भी नॉड्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में ये जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, ईच बल्ब इज़ अ नॉड, ठीक है, इस बल्ब के साथ साथ कोई वो एडॉप्टर वगैरह भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, ये पंखा एक नॉड है, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक नॉड है ये, ठीक है। तो ये इसी तरह जब भी कोई चीज़ आपस में तारों से कनेक्ट होती है, अच्छा मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा ना जाके के नॉड्स, और मैं इमेजेस में जाऊँगा, तो आप देखेंगे इस तरह की है ना, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि जी नॉड और एजेस, ये नेटवर्किंग के परस्पेक्टिव में इन्होंने बात की हुई है, एजेस
और नॉड, ये दोनों नेटवर्किंग में पढ़ाई जाती है ना चीज़, ठीक है। ये नेटवर्क की देखें डिफरेंट टॉपोलॉजी जो है ना, कि जी नॉड आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे। स्टार टॉपोलॉजी में ना नॉड देखो इस तरह कनेक्ट हैं कि दरमियान में एक को रख देते हैं, सब उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक रिंग टॉपोलॉजी होती है, सही है। उसके अलावा एक मैश टॉपोलॉजी है। मैश टॉपोलॉजी में बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई एक लाइन कट भी जाए, मिसाल के तौर पर ये वाली लाइन अगर कट जाती है जिस पर मेरा माउस है, तो वो दूसरी जगह से घूम के चला जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे कर लेंगे, वो यूं और यूं करके कम्युनिकेट कर लेंगे। तो ये मैश करके इन्होंने ये, तो ये टोपोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें इसके आगे की कहानी है, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी है। अब ट्री टोपोलॉजी को देख के ना आपको थोड़ा सा ये फील आ जाएगी हमारे वाले की, कि जी कुछ इसी तरह का मामला है कि जी एक वो रूट होता है, ये मेन तार चल रही है, और मेन तार से ये एक हमारा जो असल में चल रहा होता है यानी घरों का जो नेटवर्क है, ये इसी तरह चल रहा होता है कि जी एक ये गवादर पे तार उतरी है सबमरीन केबल की, और इनसे जो है ये स्ट्रॉन्ग फाइबर वालों ने लिया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर बैठा हुआ है और ये हमें दे रहा है स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये एक एक घर आ गए, चार घरों को दिया हुआ है इसने, ठीक है। चार तो नहीं होंगे अब, इसलिए ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसी तरह ये गवादर से जो तार उतरी है, एक उसने कनेक्शन ऑप्टिक्स वालों ने ले लिया, एक उससे PTCL वालों ने ले लिया, वो भी दे रहा है हमें सब। तो इस तरह से ये चल रहा होता है हमारे यहाँ, काइंड ऑफ यही वाली टोपोलॉजी चला रहे हैं ये। अच्छा यार, दोस्त आपके बता के गए हैं नमाज के बारे में, तो बस हम 5 मिनट में निकलते हैं नमाज पढ़ने से, ये ज़रा पैराग्राफ पूरा कर लें। तो जी इन्होंने क्या कहा कि जी ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है ना, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ पर्सन, इन डॉम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ नॉड। तो ये आप इसको समझ लें नॉड है। अच्छा, नॉड की खास बात क्या होती है कि ये दूसरे नॉड से कनेक्टेड होता है, सही है। मिसाल के तौर पर आप अगर ये पैराग्राफ पकड़ में आ गया आपके, तो इसका पैरेंट भी पकड़ सकते हैं आप, कनेक्टेड है आपस में वो तारों से। ये देखें आप, ये जो तार से कनेक्ट है आपस में, ये फिजिकल तार नहीं है लेकिन ये कनेक्शन इसके दरमियान मौजूद है। द HTML पेज रिप्रेजेंटेड अबव इन इट्स क्लीनड अप डॉम। अब ये क्लीनड अप डॉम इस वजह से कह रहा है कि जी ये वो उसमें ना एक्स्ट्रा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इसने डिफ दिखाया है, अब बॉडी पे स्टाइलिंग भी है, बॉडी पे एट्रीब्यूट्स भी हैं, बहुत कुछ है, तो वो थोड़ा क्लीन अप करके इसने दिखाया है, इसलिए क्लीनड अप कह रहा है। हैज़ 11 नॉड्स। नॉड्स तो और ज़्यादा होंगे लेकिन वो छाट के हटा दिए हैं वो बाकी के ना जो। तो द डॉक्यूमेंट नॉड, द HTML नॉड, द हेड बॉडी नॉड्स एंड द टाइटल नॉड एंड द टू डिव नॉड, टू पैराग्राफ नॉड एंड 3 टेक्स्ट नॉड, ठीक है। आप देखें पैराग्राफ एक अलग नॉड है, उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट एक अलग नॉड है। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर हो गई। 1 फॉर टाइटल, 1 फॉर ईच अदर। इन दिस पर्टिकुलर चार्ट देयर आर 3 टाइप ऑफ नॉड्स, डॉक्यूमेंट नॉड, एलिमेंट नॉड एंड टेक्स्ट नॉड, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ तरह के नॉड है। मिसाल के तौर पे एक ही वाईफाई राउटर से एक लैपटॉप भी कनेक्ट है, एक मोबाइल भी कनेक्ट है, दो डिफरेंट तरह के नॉड हैं ये, ठीक है। एक फोटोस्टेट की मशीन भी कनेक्ट है, 3 डिफरेंट तरह के नॉड हैं, तीनों का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरह के नॉड हमने देखे हैं अब। अच्छा, पहले इसको जब ये HTML तक जब हम थे तो हम इसको क्या कहते थे कि डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब JavaScript के अंदर ना इसको हम एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, अब इसको हम अब नॉड्स के हिसाब से देखेंगे, एलिमेंट के हिसाब से हम इसको नहीं देखेंगे। एलिमेंट के हिसाब से पैराग्राफ इज़ 1 एलिमेंट, ठीक है, डिव इज़ 1 एलिमेंट, लेकिन जब हम नॉड्स के हिसाब देखेंगे, हम देखेंगे डिव के अंदर ना एक से ज़्यादा नॉड मौजूद हैं, एक पैराग्राफ में, एक इमेज में एक से ज़्यादा नॉड मौजूद हैं, ठीक है। तो नॉड के हिसाब से हमने हमेशा देखना है जब भी हम डॉम मैनिपुलेशन की बात करेंगे थ्रू JavaScript। अच्छा, एलिमेंट नॉड आर HTML हेड बॉडी, ये सारे एलिमेंट नॉड हैं, सही है, पैराग्राफ तक। टेक्स्ट नॉड आर स्ट्रिंग दैट कंप्राइज द टाइटल और इनटू पैराग्राफ, ठीक है। इसने बोला भी जी ये जो जिसके साथ एंगल ब्रैकेट लगा हुआ, ये सारे जो एलिमेंट टाइप के नॉड्स हैं और एक टेक्स्ट नॉड है। एलिमेंट टाइप के नॉड पर डॉट करके अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जो टेक्स्ट नॉड होता है उस पर डॉट करके अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जब मैं इसको गेट करूँगा ना, मिसाल के तौर पर गेट एलिमेंट बाई ID करने से मुझे क्या मिलता है, मुझे एलिमेंट नॉड मिलता है, जब भी उसमें नाम शामिल है कि गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया कि जी एलिमेंट हमने गेट किया, उस एलिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा नॉड मौजूद हैं, ठीक है। तो चाइल्ड नॉड, पेरेंट नॉड करके मैं नॉड उठा सकता हूँ, अभी वो आगे आ जाएगी का बात ना। अच्छा, तो यहाँ पे ना डॉम की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। कोशिश कीजिएगा कि ये जो आगे वाला चैप्टर है, ये तकरीबन 10 के करीब चैप्टर है डॉम में, 59 से स्टार्ट है और ये जो है ना 68 तक ये गया है। कोशिश कीजिएगा ये तमाम चैप्टर्स आप पढ़ लें, ताकि यहाँ पे जब हम आए तो हम टू वे डिस्कशन करें थोड़ी सी ना, टू वे डिस्कशन हो, टू वे क्लास हो हमारी, और हमारी लर्निंग का जो लेवल है वो अप हो जाए।